प्राइम न्यूज चैनल देख रहे सभी दर्शकों को एक बार फिर जोरदार स्वागत है। इस वक्त की खबर आपको बता चले कि उन्नाव जनपद से आ रही है, हैरान करने वाली खबर आ रही है। पहले तो आपको बता दें कि हैदराबाद में घटित घटना हुई थी, जिसको बलात्कार को लेकर पेंका रेड्डी की हत्या कर दी गई थी बलात्कारों ने। और उसके बाद आपको बताने चले कि आज उन्नाव में भी ऐसे बलात्कारी घटना घटित हुई है। और उन्नाव रेप पीड़िता की हाल गंभीर को देखते हुए जहां पर आपको बताया चले कि वहां पर लड़की की दर्दनाक मौत हो चुकी है। दिल्ली के सफदरगंज हॉस्पिटल में पीड़ित ने आखिरी सांस लिए हैं। आइए पूरी खबरों पर नजर डालते हैं, हमारे साथ बने रहिए। उन्नाव रेप पीड़िता की हाल को गंभीरता लेते हुए आज दर्दनाक हुई मौत। दिल्ली के सफदरगंज हॉस्पिटल में पीड़ित ने लिया अंतिम सांस। जी आपको बताते चले कि ये पूरा खबर उन्नाव की बताई जा रही है। डॉक्टर ने 90% उसे पीड़ित को जला होने के कारण आज आपको बताते चले कि उनकी मौत हो चुकी है। 11:30 बजे पीड़ित ने लिया अंतिम सांस, जिसके विपक्ष दलों ने सरकार पर साधा निशाना है। प्रियंका गांधी ने कहा, यूपी में महिलाओं पर रोजाना अत्याचार क्यों हो रहा है? महिला की सुरक्षा देने पर क्या कर रही है सरकार? सरकार आपको बताने चले कि आखिर क्यों सरकार ने सुरक्षित नहीं दी है पीड़िता को। प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल के लिए आप देख सकते हैं खास रिपोर्ट। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।